श्री कृष्ण के प्रति स्नेह की अपनी चतुराई दिखा दी है, कृष्ण के प्रति कितना प्रेम करते हो ये आपने दिखा दिया है। तब कांताल सिंधु संतार कौशलानी शिक्षतास्मि, आहा इन श्री श्याम सुंदर ने कांताल सिंधु, कांताल माने इस जंगल में अकेली में कैसे व्याकुल होती रही, इस कांताल सिंधु को संतरण करने की कुशलता इन श्याम सुंदर ने मुझे भी सिखा दी है। ये बुलाना है कि महाराज जी आपने रात भर हमको कैसे हैरान किया, हम यहाँ वन में कैसे आपकी प्रतीक्षा देखती हुई महाशय जी विराजमान रही, आपने इस कांतार में एकांत वन में कैसे कष्ट को भोगा जाता है, इस बात को पार कैसे किया जाए, इसका हमको एक अनुभव करा दिया। ये श्याम सुंदर से उलांग दिया जा रहा है कि तुम्हारे कारण ही रात्रि में मैं कष्ट पाती रही और उनको कैसे लड़ा जाता है उन कष्टों से, इसकी आपने हमको शिक्षा दे दी, बहुत अच्छा किया। ये उलाहने के वचन है, बहुत अच्छा किया हमने, हमको भी आपने शिक्षा प्रदान कर दी है कि कांतार सिंधु संतार इस वन के कष्टों को पार करने की कुशलता आपने हमको सिखा दी, आपने अच्छी हमारे साथ में मित्रता निभाई। ये श्याम सुंदर से भी वचन है और मधुमंगल से भी वचन है कि हे आर्य। अच्छा एक बात और है कि संस्कृत नाटकों में विदूषक को आर्य कहकर के संबोधित किया जाता है, भरत मुनि का ये एक नियम है कि जो विदूषक है वो होता भी ब्राह्मण ही है और नायक का मित्र होता है और उसको सब बड़े आदर के साथ में आर्य कहकर के संबोधित करते हैं। तो श्री प्रिया जी मधुमंगल को भी, वैसे भी मधुमंगल श्री पौन मासी जी के नाती हैं इसलिए आर्य कहकर के संबोधित करती हैं, हे आर्य आपने हमारे प्रति अपनी प्रियता बहुत अच्छी तरह दिखाई और साथ के साथ में आपने हमको जंगल के कष्टों को कैसे पार किया जाए इसका अनुभव करने का एक मौका भी दे दिया कि आपकी कृपा से उस रात्रि के कष्ट को प्राप्त करने का वो कैसे तरा जाए इसका हमको एक अनुभव हो गया। श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि सखी साध वयम उपालंब्या मही, सखी हे राधिके, मधुमंगल सखी कह के बोलेगा, सखागण भी जितनी भी किशोरी जी की सखीगण और प्रियागण है इन सबों को सखी कहकर के ही बोलेंगे, उनका संबोधन सखी होगा। तो श्री मधुमंगल राधिका से कह रहे हैं कि हे सखी साध वयम उपालंभा में, हाँ आप तो हमको उलाहना दोगी ही, बहुत अच्छा उलाहना दे रही हो, हमको बहुत अच्छा उलाहना दे रही हो। यही चलंतिम अपि बदनिम त्वां तर्कित्वा वने वसद्भिः सातंकं जागृतम्। अरे मैंने अपने मित्र को देखा कि यदि कोई लता भी जरा सी हिलती थी उस समय आप पधारी, श्री राधिका आ रही है, राधिका आ रही है, ऐसा मन में विचार करके मेरा ये मित्र सातंकम जागृतम आतंकित होकर के रात भर जगता रहा, कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा देखता रहा। मित्र की खूब सहायता कर रहे हैं, कृष्ण की ओर से कृष्ण का पक्ष ले रहे हैं। आह यूयम खुश लाग्य द्वे, मैं तो आपकी प्रशंसा करूंगा कि या भी वैश्य सनातन अपनी कुंजम अनिर्बंधे शून्य मत्वा, कि इस कुंज में वैश्य सनातन मेरा मित्र यही कुंज में इधर उधर कहीं होगा, इस कुंज में मेरा मित्र तो यही रात भर जागरण कर रहा था, परंतु आपने, आहा आपकी बुद्धिमानी का क्या कहना कि आपने वैश्य सनातन अपि कुंजम, इस कुंज को जो कि मित्र से युक्त थी उस कुंज को शून्य मत्वा, शून्य मान बैठी। अरे मेरा हम गए कहां पे, हमारा मित्र तो यही था, ये चोरी और सीना जोड़ी वाली बात है।
कहीं गए नहीं थे, हम तो यही थे, हमारा मित्र भी यही था। तो वैसे सनातन अपि कुंजम निर्बंधेन शून्यम मत्वा, आप तो हट करके इस कुंज को शून्य मान बैठी हैं, और शून्य मान करके ग्रहे प्रविशीतिर भी निरासंकम सुत्तम यहाँ आए, जैसा चक्कर लगाया कृष्ण दिखे नहीं होंगे, कृष्ण यही थे, आप तो लौट करके चली गई और घर में जाकर के किवार बंद करके अपने पति जनों के दुर्ग में बिल्कुल सुरक्षित होकर के तांड भट्टा सो गई। हमारे सखा को कितनी तकलीफ हुई इसको हम जानते हैं, तुम तो अपने घर में घर में सोती रही, तुमको क्या चिंता है। ऐसे उल्टा श्री राधा रानी को दोष दे रही। दोबारा सुन ली, मधुमंदर श्री राधा रानी से कह रहे हैं कि सखी साधु भयम उपालभ्याम ही, हमको ठीक उलाहना दिया जा रहा है। मेरे सखा की दशा ये थी कि यश चलंती मापि बलिं त्वां तर्कयित्वा, यदि कभी लता भी हिलती थी तो ये विचार करता था कि आप ही यहाँ पर विराजमान हैं। बने वसत भी सातंकम जागृतम, और ये रात भर वन में निवास करते हुए पूरी रात मेरा सखा जगता रहा। मजे तो तुम लोगों के हैं, तुम्हारे हैं कि ये दिव्यम श्लाघत द्वे, तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि यानि प्रिय वयस्य सनातन अपि कुंज निर्बंधेन शून्यम मत्वा, कि इस कुंज को जो मेरे सखा से युक्त थी फिर भी इस कुंज को तुम शून्य मानती हुई आई, जरा सा झांक झुक करके अरे कोई नहीं है कोई नहीं है ऐसा कह करके कुंज से लौट गई। अरे ध्यान से देखती तो हम यही थे, मेरा सखा यही था, मिल जाता, पर तो तुमने देखा ही नहीं। तो प्रिय वैश्य सनाथ, प्रिय वैश्य से युक्त इस कुंज को शून्य मत्वा, शून्य मान करके ग्रहे प्रविशंती, तुम तो लौट गई वो भी घर, और वहां पर निरातंकम सुत्तम पान दुपट्टा खूब सोई हो। मेरे सखा की क्या दशा हुई है, तुम तो घर में जाकर के सो गई होगी। ऐसे जिसने कहा ये मधुमंगल के वचन है, विचित्र वेश चेष्टा के द्वारा जो हास्य करता है उसका नाम विदूषक है। विदूषक का लक्षण ही निरूपण किया कि विकृतांग वशो वेशई हास्यकारी विदूषक, विकृत अंग वच और वेश इनके द्वारा जो हास्य करता है, और बसंताद्या विनोदा भोजने कलप्रिय, ये विदूषक के लक्षण बताए गए कि बसंत आदि उसके नाम होते हैं, बसंताकर ये बसंत इत्यादि ये जितने भी विदूषक हैं उनके नाम बसंत आदि होते हैं। जैसे यहाँ पर भी मधुमंगल ये बसंत का ही एक प्रकार हुआ, बसंत का ही एक नाम हुआ, तो विदूषक का नाम मधु या वसंत इनसे संबंधित होता है। तो नाम तो होता है विदूषक का वसंत, भरत मुनि कहते हैं लोला वो चंचल होता है, भोजन प्रिय होता है और कलह प्रिय झगड़ा करने लगता है, ये मधुमंगल का ये विदूषक का गुण होता है। और विकृतांग बचो बेशई हास्यकारी, विकृत अंग वाणी और वेश इनके द्वारा हास्य को उपस्थित करने वाला होता है विदूषक। तो श्री मधुमंगल कोई है इसी तरह से है, श्री मधुमंगल ऐसे ही वचन कर रहे हैं तो तुम तो जाकर के अपने घर में तांड पट्टा सो गई होगी। श्री राधिका कह रही है कि आर्य किम एवं भणासि, ऐसा क्यों कहते हो, निकुंजम कंसारे पत्र नखर चंद्रावली रुचि छटाग्रस्तम नाक्रे मुहुरपि यदा प्रेक्षित मधु, हम लोग यहाँ आई थी निकुंज में रात्रि भर हम जागरण करती रही, यहीं बैठी रही। निकुंजम कंसारे, कंसारी की ये जो निकुंज है, श्री कृष्ण की ये जो निकुंज, अब ये कंसारी शब्द बकारी अघारी इन शब्दों का प्रयोग श्रृंगार रस में बड़ा उपयोगी है, क्योंकि श्रृंगार रस में माना गया कि वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है, इसलिए संबोधन में
कंसारी, बकारी, पूतनारी, इन शब्दों का नायिकाएं खूब प्रयोग करती हैं। श्री ब्रजगोपिका खूब प्रयोग करती हैं, क्योंकि वीर रस श्रृंगार रस को पोषित करने वाला है। तो कंसारी की इस निकुंज में जब नखर चंद्रावलि रुचि ही, कंसारी के माने कृष्ण के नखर चंद्रावलि रुचि, नखर माने नख के चंद्रावली की कांति भी नहीं दिखी कहीं भी ढूंढने पर भी। जब श्री वृंदावन में कृष्ण के 20 नख चंद्रों की कांति हमको नहीं दिखी, नखर माने नख नाखून, चरण के और श्रीहस्त के नाखून की जब नखावली की जब रुचि हमको नहीं दिखी और उसकी रुचि से छटाग्रस्तम नाग्रे मुहूर्ति यदा प्रेक्षितमपु, जब सामने बार बार ढूंढने पर भी जब श्री कृष्ण की नख चंद्र की रुचि हमको नहीं दिखी, तो नख चंद्रावली रुचि ही न अग्रे प्रेक्षित मभूत, श्याम सुंदर की नखावली की रुचि जब इस वृंदावन में इस कुंज में हमको नहीं दिखी, तदा सद्य प्रोद्यत विदुहतिक विक्रांत हतया मया लब्धारंगे क्रम निवाह पूर्णा परिणति। उस समय तदा सद्य प्रोद्यत, उसी समय तुरंत ही प्रोद्यत माने उदय हो आया विदुहतक, वो दुष्ट चंद्रमा, विदु माने चंद्रमा, हतक माने दुष्ट, वह दुष्ट चंद्रमा सामने प्रकट हो आया। नुकुंज मंदिर में बार बार ढूंढने पर भी श्याम सुंदर के नख चंद्र की कांति जब देखने में नहीं आई और हम व्याकुल हो रही थी, उसी समय तथा सद्य सत्य माने तुरंत ही प्रोद्यत विधु हतक, वो दुष्ट चंद्रमा न जाने कहां से उदय हो आया और विक्रांत हत्या उस चंद्रमा की चमक से व्याकुल होकर के, उसकी चांदनी से व्याकुल होकर के, हाय मया लब्धारण्ये क्लम निवाह पूर्णा परिणति, मैंने इस एकांत अरण्य में परिणति ही माने अपनी स्थिति को पाया, यहां पर मैं विरहणी होकर के विराजमान हुई, जो विरहणी की स्थिति कैसी थी, क्लम निवाह पूर्णा, क्लम माने कष्ट, कष्ट के निवाह माने समूह, उनसे पूर्ण परिणति माने स्थिति मेरी हुई। इस बल में मेरी स्थिति दुष्ट दुख से परिपूर्ण होकर के विराजमान हुई। तदा सद्य प्रोद्यत, उसी समय उदय हो आया बिंदु हटक दुष्ट चंद्रमा और उसकी क्लांति हटाया, क्लांति से उसकी चांदनी से व्याकुल होकर के मैंने अरण्य इस वन में क्लम निवाह पूर्ण कष्ट भोगते हुए परिणति माने अपनी स्थिति को लब्धा प्राप्त किया, अर्थात यहां पर मैं विराजमान रही। दोबारा कंसारे माने कंस को मारने वाले श्री श्याम सुंदर के नखर माने नख, उनकी चंद्रावली की रुचि भी जब प्राप्त नहीं हुई, रुचि की छटा उसको भी अग्रे माने सामने मुहूर्त यदा न प्रेक्षित मत, जब मैं सामने नहीं देख पाई, श्याम सुंदर की नक्षत्र मुझे कहीं दिखे नहीं, उसी समय दुष्ट चंद्रमा उदय हो आया और उस चंद्रमा के कारण मेरा कष्ट और भी अधिक बढ़ गया और इस वन में दुखपूर्ण स्थिति को मैंने प्राप्त किया। ये तो कहा नखर चंद्रावली रुचि। अब नखर चंद्रावली रुचि में एक स्नेह अलंकार का भी श्री किशोर ने प्रयोग कर दिया, जैसे कहते हैं वो चोर की ढाई में तिनका वाली बात, वो नखर चंद्रावली रुचि देख करके श्याम सुंदर कहीं पहचान गए, मधुमंगल पहचान गए कि ये तो चंद्रावली की बात कर रहे हैं। अब श्री चंद्रावली जी कैसी हैं,
कि नखर, खर माने कठोर, नखर माने जिनके नख कठोर नहीं है, जिनकी रुचि कठोर नहीं है, खर नहीं है, ऐसी चंद्रावली की रुचि की छटा से दस्त माने कोमल चंद्रावली की छटा से युक्त श्याम सुंदर का जब हमने दर्शन नहीं किया तो नखर चंद्रावली रुचि का दो तरह से अर्थ हुआ कि श्याम सुंदर के नखचंद्र की कांति हमको नहीं मिली, अथवा नखर माने जो खर नहीं है माने कोमल है ऐसी श्री चंद्रावली जी की रुचि चंद्रावली जी की शोभा को देख करके जो श्री श्याम सुंदर चंद्रावली की छटा से ग्रस्त हो रहे हैं ऐसे श्याम सुंदर को हमने नहीं देखा। अर्थात उस समय श्री चंद्रावली जी यहां पर विराजमान थी, अब श्री राधिका ने यह देखा नहीं है चंद्रावली जी को, पर मुख से वचन सरस्वती जी ने ऐसे प्रकट करा दिए कि मधुमंगल एकदम चौंक गए। नखर चंद्रावली सुनते ही, चंद्रावली का नाम सुनते ही वही चोर की डाली में तिनका वाली बात, जो अपराध ये है वह अपने अपराध से स्वयं शंकित रहता है, इसी भाव को कहीं प्रकट करते हुए मधुमंगल कह रहे हैं अहो कथम कुंज संगता चंद्रावली अपि राधिया दृष्टासी, जरूर ये वर्णन कर रही है इसलिए श्याम सुंदर जिस समय विराजमान थे उस समय चंद्रावली जी भी यहाँ पर थी, उन चंद्रावली जी को भी राधिका ने जरूर देख लिया होगा, कुंज संगता कुंज में आई हुई चंद्रावली जी को भी राधिका ने देख लिया है। हुआ भी यही था कि पहले इस कुंज में चंद्रावली जी थी, फिर चंद्रावली जी को लेकर के श्याम सुंदर बगल की जो नाकेश्वर कुंज है उसमें चले गए, केशव कुंज से नाकेश्वर कुंज में श्री श्याम सुंदर चले गए, और बहाने चतुर इतने हैं कि कहीं पकड़ने में नहीं आऊं इसलिए नाकेश्वर की सुंदर किंजल को अपने साथ में तोड़ करके ले आए और दिखा भी दिया, देखो मैं तो नाकेश्वर कुंज में था प्रमाण के रूप में, देखो ये कुंज मेरे पास में नाकेश्वर की सुंदर मंजिलियां विराजमान है, और उन्हीं मंजिलियों को श्री राधा रानी को आपने बहाना बनाते हुए समर्पित भी कर दिया उनके मान को दूर करने के लिए। तो मधुमंगल ने जब ये नखर चंद्रावली रुचि प्रिया के इन वचनों को सुना कि नखर माने जो कोमल जिनके नख हैं ऐसी चंद्रावली की रुचि से कांति से आपत श्याम सुंदर को हमने नहीं देखा, तो मधुमंगल ये समझ रहे हैं कि श्री राधिका ने निकुंज में चंद्रावली जी का भी जरूर दर्शन कर लिया होगा और उसका ही वर्णन कर रही है, जब इनको पता ही लग गया है तो फिर बात स्वीकार ही कर लो। तो कह रहे हैं तब वंचनम त्यक्त्वा ए नाम उत्कर्षयामि, अब श्री राधिका से छल करने की जरूरत नहीं है, वंचना त्याग करके अब श्री राधिका को उत्कर्षयामि श्याम सुंदर से मिलाने का प्रयत्न करता हूं और इनके मान को दूर करने का प्रयत्न करता हूं, इन युगल को मिला, प्री नर्म सखाओं का भी स्वभाव है श्री युगल को मिला, और मधुमंगल प्री नर्म सखा है, श्याम सुंदर के सखा चार प्रकार के श्री भक्त सामने सुंदर में निरूपण किया गया, चार प्रकार के सखा है, एक है श्रोत सखा, श्रोत सखा जुबे जो श्याम सुंदर से अवस्था में कुछ बड़े जैसे श्री बलभद्र सुभद्र ये अवस्था में कुछ बड़े हैं और श्याम सुंदर के प्रति इनके हृदय में जो सख्य भाव है वह बात्सल्य गंधी सख्य है, उसमें बात्सल्य की छाया है, तो पहले हो गए श्रोत सखा, दूसरे सखा हुए वो है सखा, सखा माने जिनमें सख्य प्रीति के अलावा कोई दूसरा भाव है ही नहीं, कृष्ण के साथ में बस सखा भाव ही जिनमें विराजमान है, बड़े छोटे का अभिमान जहां पर नहीं, वे हो गए सखा। तीसरे जो सखा है उनका नाम है प्री सखा, प्री सखा वो है जो श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े छोटे हैं और ये श्याम सुंदर की सेवा करने में ही रुचि रखते हैं। जैसे
श्री श्याम सुंदर के छोटे जो सखा हैं, वे छोटे सखा उनको आदेश देंगे जा पानी लेके आ। और वो सखा दौड़ रहा है तो पानी लेकर क्या जा मेरे लिए शैया तैयार कर। बोला अभी करता हूं कन्हैया आ जा तेरी शैया तैयार हो गई है सो जा भैया ला मैं तेरे शरीर को खूंद दू दावा। ऐसे कन्हैया के ऊपर चढ़ करके बलदाव जी के ऊपर चढ़ करके अपने चरणों से बलदाव जी के श्री कृष्ण के चरणों को श्री अंग को जो दबा रहा है वो कह रहे हैं मैं अच्छी तरह से दबा कस के अच्छी तरह से बसा। अरे घेंटू ने कहा जो कन्हैया के ऊपर घेंटू गड़ा करके चरण रख करके कन्हैया के ऊपर कूद कूद करके कन्हैया के अंगों को दबा रहे हैं ये प्रिय सखा छोटे हैं और उनके भार को भी कृष्ण सहन कर रहे हैं वो हो गए प्रिय सखा। अब चौथे जो सखा है उनका नाम है प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा ये आठ है सुवल मधुमंगल उज्ज्वल अर्जुन ये सब और कृष्ण कुंड के आठों ओर इनकी अपनी कुंज है प्रिय नर्म सखाओं की और इनमें मधुर भक्ति का भाव भी विराजमान है। जैसे सखीगण श्री श्याम सुंदर को प्रिया जी से मिलाती हैं ऐसे ये भी यही चाह रहे हैं कि राधा कृष्ण का किसी तरह से मिलन हो। तो ये चार प्रकार के सखा हुए सुहृद सखा सखा प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। इनमें मधुमंगल प्रिय नर्म सखा है और प्रिय नर्म सखा होने के कारण कह रहे हैं हाय राधिका को पता तो लग ही गया है कि चंद्रावली वहां थी इसलिए अब वंचन करने से काम नहीं चलेगा त्यक्तम वंचनम त्यक्त्वा एनम उत्कर्षयामि। अब इनकी वंचना को छोड़ करके इनको मिलाता श्री राधिका को मिलाने का प्रयत्न करता हूं और मधुमंगल उगल बैठे स्वीकार कर बैठे कन्फेशन कर दिया मधुमंगल के क्लांते नते बदन चंद्र मना कलियो कल्याण गोकुल पुरंदर नंदनेनो चंद्रावली। अब पूरा नहीं बोले हैं आधा बोल रहे हैं कि ते बदन चंद्रम अनाक लियो तेरे मुखचंद्र का दर्शन न करके मेरा सखा क्लांते इतना दुखी हो गया कि हे कल्याणी राधिके ये संबोधन है हे श्री राधिके गोकुल पुरंदर नंदनेनो गोकुल के इंद्र के पुत्र अर्थात नंद बाबा के पुत्र ने गोकुल पुरंदर पुरंदर कहते हैं इंद्र गोकुल के इंद्र कौन हुआ गोकुलेंद्र श्री नंद बाबा उनके नंद उनके जो पुत्र हैं उन मेरे सखा ने चंद्रावली उन चंद्रावली को अब बोल नहीं पाए हैं परंतु मन में कहना चाह रहे हैं कि अलम भी चंद्रावली जी को यहां पर प्राप्त कर लिया था परंतु चंद्रावली का कृष्ण के साथ में मिलना वो भी इनको पूरा संतोष देने वाला नहीं हुआ। उस समय भी ये तुम्हारी याद कर रहे थे ये सारी बातें कुछ कहना और चाहते होंगे केवल चंद्रावली इतना मात्र कहा आगे की बात बाकी को पूरा नहीं कर पाए कि आपके मुखचंद्र का दर्शन न करके मेरे सखा इस नंद नंदन कृष्ण ने चंद्रावली बस इतना ही बोले कहना चाह रहे थे कि चंद्रावली को प्राप्त किया परंतु इनको संतोष नहीं हुआ। श्याम सुंदर तो उस समय बिल्कुल निरस्त हो गए बोले लो अब तो पूरी तरह से पराजित इसने तो पूरा भंडाफोड़ी कर दिया सारी बातें बिगाड़ दी। तो इतने अर्धोक्ते श्री कृष्ण भ्रू संज्ञा निभा रही थी बोले चुप रहे आगे बोले मत बोल बोलना तो आगे मत बोलना कुछ मत बोलना। मधुमंगल एकदम आवाज को बिल्कुल आगे का वाक्य पूरा करते करते रुक गए जबकि कहना चाह रहे थे कि चंद्रावली अलम भी इन्होंने चंद्रावली को प्राप्त किया परंतु तृप्त नहीं हुए ये पूरा वाक्य करना चाह रहे थे परंतु वाक्य पूरा नहीं कर पाए। सारी गोपी सब पहचान गए एक दूसरे को देख रही है देख ले क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ऐसे श्री किशोरी जी और ललिता जी सब आपस में संकेत कर रही हैं तो सबा परस्परम साकुतम अवलोकयन्ति एक दूसरे को कहीं भाव सहित अवलोकन कर रही है। मधुमंगल कह रहे हैं हंत हंत
कृतम मया ब्राह्मण बटु चेतन चापनम। हाँ, ब्राह्मण की बुद्धि पिछली होती है, अगल बुद्धि नहीं होती है। अगल बुद्धि किसी दूसरे की होती हो, ब्राह्मण तो पिछल बुद्धि वाला है, पीछे की बुद्धि। हाय मैंने क्या कर लिया, मैंने ब्राह्मण बटु के उचित चपलता कर डाली, ये मैंने उचित नहीं किया, उचित नहीं किया। तो कृतम मया ब्राह्मण बटु चितम चापलम। हाय अब क्या करूं, अब तो मुंह से जो बात निकल गई है निकल ही गई है, अब क्या करें। श्री कृष्ण बड़े विदग्ध माधव है, और विदग्ध माधव होकर के कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि हाय अब मधुमंगल के वचन को कहीं संभालना चाहिए। सो मधुमंगल श्री कृष्ण तुरंत ही श्री राधिका से बोले कि प्रिय हे श्री राधिके, प्रिय देखो देखो विभावरी भवम में बरीय कष्टम, मेरा मित्र मुझसे इतनी ज्यादा प्रीति करता है कि रात भर विभावरी में मुझे जो अपूर्व कष्ट हुआ उस कष्ट को देख करके मेरा सखा अपने बाकी को पूरा भी नहीं कर पा रहा है, बाकी अधूरा ही इसके गले में अटक करके रह गया है। सो मेरे कष्ट को देख करके विभावरी भवम रात्रि में होने वाले मेरे कष्ट को देख करके वलिय कष्ट मेरे महान कष्ट को देख करके बाष्प रुद्ध कंठ अयम संवृत्तः, इस मधुमंगल का गला रुक गया है। तब अहम एक वाक्य समापयामि, इसलिए ये जो कहना चाह रहा है मैं बता देता हूं, ये कहना चाह रहा था। बस श्याम सुंदर ने तुरंत अपनी विदग्धता प्रकट करते हुए मधुमंगल के वाक्य को पूरा कर दिया। क्या कहा कि चंद्रावलीन नयनांत तया किलास्यो साधश्यत कथमपि क्षपताक्षपेयम्, कि चंद्रावली में नाव जोड़ दिया श्री कृष्ण ने आगे जोड़ते हुए। चंद्रावलीन माने चंद्र में अवलीन माने लीन करके, चंद्र में ध्यान लगा करके, चंद्र में समाधि लीन होकर के चंद्रमा का ही दर्शन करते हुए मेरे मित्र ने नयनांत तया चंद्रावलीन नयनांत तया चंद्रमा में ही अपने नेत्रों को पूरी तरह लगा करके ये विराजमान हुआ। इसलिए किलास्य सा दृश्यत किमपि कथमपि क्षपिता क्षपेयम्, सा क्षपा उस रात्रि को मेरे मित्र ने अर्थात मैंने, मधुमंगल की बात को पूरा कर रहे हैं कृष्ण, कहने मैंने उस रात्रि को किसी तरह से पूरा किया, उस रात्रि को व्यतीत किया। ऐसे जो कहकर के बात को साध लिया, मधुमंगल कहना चाह रहे थे कि आपको न पा करके मेरे सखा ने जब आपको नहीं देखा तो श्री चंद्रावली को प्राप्त किया परंतु सुख नहीं हुआ, परंतु श्याम सुंदर ने बीच में ही बात को पलट करके कह दिया कि चंद्रमा का दर्शन करते हुए ही एक टक चंद्रमा को निहारते हुए मेरे इस मित्र ने वो रात्रि किसी तरह से पूर्ण की, और रात्रि किसी तरह से चंद्रमा को देखते देखते ही इसने बिता दी। मधुमंगल एकदम खिल गया, लो बिगड़ी हुई बात मेरे मित्र ने कैसे संभाल दी। सब कह रहे हैं शाबाश शाबाश मेरे मित्र, प्रीवेश सर्वज्ञोसी, भैया तू तो सर्वज्ञ है, तू तो सब कुछ जानता है। ऐसा कह करके श्याम सुंदर की पीठ थपथपाते हुए कह रहे हैं कि प्रीवेश सर्वज्ञोसी, हे प्रीवेश तू तो सर्वज्ञ है, किमित मम हृदय स्थितम पद्यार्थम न ज्ञास्यसि, अरे मेरे हृदय में जो आगे का आधा पद्य था श्लोक का, पिछला जो उत्तरार्ध था, क्या उसको नहीं जानेगा, तुम तो सर्वज्ञ है, मेरे हृदय की बात को तुमने यूं कहते हो, कह दिया। ललिता जी कह रही हैं कि राधे देख ले कैसी यहां पर दोनों की कैसी जुगलबंदी चल रही है, ये कृष्ण की और मधुमंगल की। राधे अद्यापि संदिग्धा सी, अभी भी संदेह रह गया क्या, अर्थात श्री श्याम सुंदर उनमें
चंद्रावली जी के मिलन के चिन्ह दिख रहे हैं और चंद्रावली के मिलन को इन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, ये कन्फेस भी कर रहे हैं कि चंद्रावली से मेरा मिलन हो गया और चंद्रावली के चिन्ह भी इनके श्री अंग में दिख रहे हैं। तो स्वीकृति भी है और साथ ही साथ में प्रमाण भी दिख रहे हैं कि पश्य रात्र विलास कृष्णानी नागरस्य चांगा चंगानी अंगानी। रात्रि के विलास की पिशुनानी माने चुगल चुगल खोरी करने वाले इन नागर के चांगानी अंगानी सुंदर अंग है। चांग कहते हैं सुंदर, चांग शब्द का अर्थ होता है सुंदर। श्री श्याम सुंदर के ये सुंदर अंग रात्रि विलास की सूचना देने वाले दिख रहे हैं, ऐसा कहकर के ईर्ष्या सहित कह रहे हैं कि बाले गोकुल यौवतस्तन तटी दत्तार्ध नेत्रादितः कामं श्याम शिला विलास हृदयात् चेतः परावर्तयो विद्मं किं नहि यद् विकश्य कुलजा केली भी एष स्त्रियो धूर्त संकुलयन कलंकयति भी निःशंकं उन्मुञ्चति। कि अरे राधिके देखले देखले, ये श्री चंद्रावली जी ने बस फिर से किशोर जी के हृदय में बस मान का मान भर दिया, मान की कटुता भर करके कह रही है कि बाले अरे राधे गोकुल यौवन स्तन तटी दत्तार्ध नेत्रा इतः इन श्याम सुंदर से की ओर अब अपने नेत्रों को लौटा दे। गोकुल यौवत स्तन तटी, गोकुल की युवतियों के वक्षोजों के ऊपर दत्तार्ध नेत्रादितः जो अपने कटाक्ष को निरंतर प्रस्तुत करते रहते हैं, ऐसे इन श्री श्याम सुंदर से काम श्याम शिखा विलास हृदय इन श्याम शिला विलास हृदय श्याम शिला के समान जिनका मने जिनका हृदय श्याम पत्थर के समान कसौटी के पत्थर के समान जिनका हृदय अत्यंत कठोर है उनसे चेतक परावर्त हो अरे सखे अपने चित्त को लौटा ले बिन्म किम नहीं कि हम नहीं जानती हैं कि यद ब्रिकिश्य कुलजा केवी भी एष स्त्रियों कि ये स्त्रियों को कुलजा जो स्त्रीगण हैं उनको अपनी केली के द्वारा अपनी मधुरमा के द्वारा ये चंचल पतिव्रताओं को बरबस आकर्षित करके धूर्त संकुलयन कलंकयति उनको ये धूर्त कलंकित करता है। सो धूर्त संकुलयन